तथागत बाबा साहब अम्बेडकर भगवान बुद्ध के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए 2562 के पूर्व पूर्णिमा महोत्सव के पूर्व भावना मत्सल पर मैं आप सबको कुछ पूर्णिमा की शुभकामनाएं देता हूँ। इस मंच पर दिल्ली प्रदेश भारतीय बोधना सभा के अध्यक्ष आदर्श गौतम जी, महासचिव रणवीर सिंह जी, कोषाध्यक्ष कनक सिंह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एम पी पंडित जी और मेरे साथी जितेंद्र प्रसाद जी, महामंत्री चंद्रबाबू गोलाम जी, मैं ज्यादा कुछ ना बोलते हुए आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो अभी मेरे से पहले वक्ताओं ने बताया कि ये जो कुर्सी है जो खाली पड़ी है ये बड़ी शर्म की बात है और हमारे समाज के अंदर ही ऐसा क्यों है कि जो भी संस्था बनती है उसको तोड़ने के लिए दूसरी संस्था पहले बाहर खड़ी हो जाती है। आज हमारे इस प्रांगण के अंदर भारतीय महोत्सव हमारे जो भगवान बुद्ध जी का जो जन्मदिन मना रहे हैं ऐसे ही कल एक और मनाया जाएगा यहीं पर ही। इससे हमारे और दूसरे समाज के लोगों को क्या देश भाव के बारे में पता चलता है इससे कि हमारे भगवान के जन्मदिन भी दो दिन मनाए जा रहे हैं। हम तो आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको भी अपने साथ बिठा करके ऐसा ना होने दे कि आपके प्रांगण के अंदर आकर के दूसरे लोग भी यहाँ पर आकर के प्रोग्राम करें क्योंकि यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बहुत धर्म की शिक्षा दी थी उसके कार्य करने वाले कार्यकर्ता हो या कुछ भी अपने आप को समझते हो आप लोग हैं, आपको ये सोचना चाहिए कि दूसरे लोगों से मिल करके इसको एक ही संस्था बना लेनी चाहिए। मैं इन शब्दों के साथ आपको बहुत भगवान बुद्ध के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू आपका था। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय आरएस गौतम से तो वो अपना अध्यक्ष भाषण देंगे। आदरणीय आरएस गौतम जी, इसको शांति का संदेश देने वाले चतुर्थ भगवान बुद्ध और बाबा साहब को नमन करता हूँ। बंदने विश्वगण, आज बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सी एम पेपल जी, उपाध्यक्ष उदय सिंह बोध जी और हमारे बीच में उपस्थित आकर जी और जितने भी हमारे इस प्रदेश के या जितने भी अधिकारी हैं एस एस गौतम जी, के सिंह जी और हमारे सचू सिंह जी, मुखिया जी और सभी सभी को नमो उठाए गए हैं। हम लोग आज बुद्ध पूर्णिमा की घोषणा है। वैसे तो हर साल में 12 पूर्णिमा होती हैं लेकिन वैशाख पूर्णिमा का एक विशेष महत्व है। जो घटनाएं वैशाख पूर्णिमा को घटी है वो घटनाएं किसी और पूर्णिमा को नहीं है। पहले घटना है सिद्धार्थ गौतम का जन्म इसी वैशाख पूर्णिमा को लुम्बिनी वन के अंदर हुआ था। दूसरी घटना महत्वपूर्ण है कि सिद्धार्थ गौतम से बोध गया के अंदर बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त करके सिद्धार्थ गौतम से सम्मति संबोध प्राप्त हुए थे। तो ये दूसरी सबसे महत्वपूर्ण घटना है। तीसरी महत्वपूर्ण घटना है कि इसी में कुशीनगर के दो वृक्षों के बीच में भगवान बुद्ध सम्मति संबोध का महापरिणाम हुआ था। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी घटनाएं संसार में किसी और के साथ नहीं घट रही है जो संसार में भगवान बुद्ध के साथ घट रही है। धर्मों मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। एक जब भगवान बुद्ध ने 528 ईसा पूर्व में प्राप्त किया 43 वर्षों तक पूरे भारत में घूम घूम कर गौतम का प्रचार प्रसार किया, शांति का संदेश दिया, करुणा का संदेश दिया, मैत्री का संदेश दिया। उस जब उनकी जो विचारधारा थी उनका जो मान सम्मान था बहुत ही शिखर पर था। इसी चीज को जो मेरे जैन है
वृंदावनवासी है उनको भगवान सत्ता उनका मान सम्मान कम होने लगा। उन्होंने एक सोचा अति सी भगवान बुद्ध का मान सम्मान कैसे कम किया जाए। उन्होंने एक उपासिका को सुना जो बहुत ही सुंदर थी और कभी भगवान बुद्ध के दर्शन देने जाते थे। उन्होंने कहा एक ही उपासिका हम चाहते हैं कि आपका जो मान सम्मान है आप भगवान बुद्ध के लिए उनको मान सम्मान दान करने के लिए आप हमारे साथ आ गए। चलो मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। तो उस उपासिका को उन लोगों ने कुछ आदमियों को बुलाया और बुला करके उसकी हत्या करा दी और भगवान जो की खुशी देखी थी उसको दबा दिया। तो बता दिया अति फलाना नाम की उपासिका यहाँ पे गायब हो गई है और उसका शव केंद्रीय कैसे गायब हो गई। केंद्रीय वो भगवान बुद्ध के पास जाया करती थी। हो सकता था कि भगवान बुद्ध ने या उनके शासन में उसको मार दिया गया। केंद्रीय इसका क्या करना है केंद्रीय आप जाकर खोल सकते हैं उसको वहाँ। लेकिन जैसे उसको वहाँ कुछ आदमी ने जाकर के सूचा के पीछे खोला तो भगवान उसकी उपासना के वो भाग निकल गए। तो उसका बड़ा अपमान हुआ और लोगों ने भगवान बुद्ध के जो भी विशेषण थे उसका अपमान शुरू हो गया और उनका निकलना बंद हो गया और बदनीति हो गई। उसने उनके विशेषण ने कहा कि हे भगवान आप भी इस काम को छोड़ दें कहीं और चलें क्योंकि यहाँ हमारा बहुत ही अपमान हो रहा है और बहुत हमारा खाने को नहीं मिल रहा कोई हमें शिक्षा नहीं मिल रहा तो इसको वहाँ चले जाए। भगवान बुद्ध ने कहा नहीं हमें ध्यान नहीं इससे तो ये साबित हो जाएगा कि हमने इसकी हत्या करी हम ही दोषी हैं नहीं हम ही करें। फिर भगवान जी हम क्या करें चले एक हफ्ते के अंदर इसका निवारण हो जाएगा। अच्छा तो इसी बीच में चला था तो जो दुश्मन है उनकी हत्या की थी वो एक जो शराब महकमा शराब खाने में बैठे थे तो वहाँ पर उनका विचार जो थोड़ा एक कहने लगा अति मैंने उसको पकड़ा था दूसरे पहले मैंने हत्या की थी मैंने उसको मारा था तीन जगह हमने उसको वहाँ पकड़ा था। फिर सुनिया फिर सुनने के बाद राजा के पास पहुँचे अति राजा साहब हकीकत ये है अति भगवान जो उनका स्थान निर्दोष है उन्होंने कुछ नहीं किया है जो किया है उन निर्दोषों ने किया है और उनकी बात गड़बड़ है। तो उसी समय राजा ने आदेश दिया और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की जो भगवान की पूर्णिमा उसकी पूर्णिमा की सभी को दिल्ली वासियों को और देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ मुबारकबाद देता हूँ और एक अपील सारे देशवासियों से करना चाहता हूँ अपनी बुद्ध पूर्णिमा एक शुभ पूर्णिमा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन कोई आदमी किसी भी प्राणी की हत्या न करे और नाश न करे कम से कम एक दिन बुद्ध पूर्णिमा के लिए ऐसा सब देशवासियों से उसने ना तो हत्या करे ना वीर कुटुंब है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को पुनः धन्यवाद देता हूँ आभार प्रकट करना चाहता हूँ क्योंकि ये हमारे साथ बहुत ही शोक समय था हमें ये आश्वासन मिलता रहा कि आपको परमिशन मिलेगी। दो दिन पहले हम गए और उन्होंने कहा कि गए जो अभी परमिशन की होगी होगा लेकिन रजनीत सिंह अगर दोनों गए आपने बैठक खड़ा दिया आपको परमिशन नहीं मिलेगी नौ सौ सुन सकते उसी समय हम और रजनीत सिंह दोनों खूब गए